कदे भी साढ़े जिहड़े वीर सपूत ने उन्होंने कदे भी जिहड़ा है वह पिछे नहीं दिखिया और हमेशा भारत माता की रक्षा करने वास्ते अपने मुल्क की रक्षा करने वास्ते अपनी इस धरती की रक्षा करने वास्ते हमेशा जिहड़े अगे बढ़े और बड़े मुल्क बड़े बलिदान जिहड़े ने साडे वीरियां ने दिते हैं। मैं अज साडे मंच च उपस्थित साडे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साडे चेयरमैन साहब साडे डीडीसी मैंबर इधर के सरपंच साहब उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना जिहड़ा अज ये समारोह उनके सब दे कोऑपरेशन करने अस अज इधर ऑर्गेनाइज करी सके कन्ने साडे विच एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकेश सिंह सर उनके कन्ने साडे डीआईजी साहब साडे डिप्टी कमिश्नर रियासी एसएसपी रियासी कन्ने जिन्हें भी साडे सिविल ते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दे सारे ऑफिसर सारा स्टाफ जिहड़ा इकट्ठा होया मैं उनका सब का शुक्रिया अदा करना। मैं ये भी तुसें चेता दिलाना चाहना कि ये अज का जिहड़ा समारोह है वह कियां पॉसिबल हो सकिया उहदे वास्ते अस सब शुक्र गुजार हाँ साडे ऑनरेबल एल जी साहब के जिन्होंने इना एक हिस्टोरिकल जिसी आख दे एडा इतिहासिक जिहड़ा फैसला लेता कि साडे जिहड़े मार्टियर्स ने वीर शहीद ने उनके नाम उपर साडे जिहड़े स्कूल होन कॉलेज होन मेन चौराहे होन उनका नामकरण करने वास्ते जिहड़ा हिस्टोरिकल स्टेप जिहड़ा उठाया मैं समझना उहदे वास्ते वह बधाई के पात्र ते अज पूरा देश उनके इस स्टेप उपर गौरवान्वित महसूस करा दा ते उन्होंने बधाई दिया दा। ये जिहड़ा अज इवेंट होया ते पूरी जीवनी असां जिहड़ी दी खी साडे वीर सपूत कमल किशोर जी दी और कितनी छोटी उम्र च उन्होंने ये सुप्रीम सैक्रीफाइस जिसी आखदे ने सर्वोच्च बलिदान देश वास्ते दिता और कियां इस एंटी टैररिस्ट ऑपरेशन च उन्होंने जिहड़ा है वह बिल्कुल ना केवल जिहड़े ये टैररिस्ट सी उन्होंने मौत दे घाट उतारे उनके ते उनकी टीम ने बल्कि उन्होंने ऐसा जिहड़ा सुप्रीम सैक्रीफाइस किया उहदे वास्ते भारत सरकार ने भी उन्होंने शौर्य चक्र कन्ने लाया सी। मैं देखिया जिले अस अनावरण करा रहे सी ते साडे इस वीर सपूत दे माता पिता उनके अखियां च अथरू सी ते अस सारे लोग भी भावुक हो गए ते मैं उन्होंने विश्वास दिलाना चाहना कि उनके परिवार कन्ने इस पूरे ग्राम दे पूरे पंचायत दे पूरे जिले दे लोग उनके कन्ने जुड़े दे सारे जिहड़े इधर के नौजवान वह भी उनके बच्चे और उनके कन्ने पूरा पुलिस महकमा पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शाना बशाना खड़ोते हैं और कोई कले नहीं है वो और ये जिहड़ा सुप्रीम सैक्रीफाइस है उसी आने वाली पीढ़िया जिहड़ा याद रखनिया और साडे इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी साडे मुल्क के जिहड़े इतिहास च स्वर्णिम पन्नियां च उनके सपूत का ना जिहड़ा है वह लिखोई गया और अगे भी हमेशा आने वाली सदियों च उनका ना चलता रहो और उनकी वीर गाथा बच्चे बूढ़े जवान पढ़ते रहोगे और उसका अनुसरण भी करते रहोगे। मैं ये करने करने मैं ये भी जिहड़ा आखना चाहना कि जिहड़े साडे जैसे सिविलियन जिहड़े साधारण लोग ना मृत्यु तो साडी होंदी है पर जिहड़े ये वीर सपूत ना वो हमेशा वास्ते इतिहास च अमर हो जाते और उनके जिहड़े वैल्यूज ने उनके जिहड़े मॉरल्स ने उन्दिया ने जिहड़ी सानू ये पूरा सैक्रीफाइस करिए जिहड़ी सीख दिती है उसी अपने जीवन च ढालन वास्ते उहदा अनुसरण करना बड़ा जरूरी है हर एक नागरिक वास्ते जिहड़ा एक सिविलियन है चाहे वह गवर्नमेंट सैक्टर च है प्राइवेट सैक्टर च है कोई बच्चा पढ़ना ना सारे लोग ईमानदारी करने अपना काम करन पूरी डेडिकेशन करने कर्तव्य निष्ठा करने अपना काम करन जेड़ा उन्हें कर्तव्य दिता है सोसाइटी ने उनके परिवार ने गवर्नमेंट ने किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी ईमानदारी करन पूरी सच्चाई करन उसी काम की अगर अस लोग सारे मिलिए करके अपने अपने काम की तो मैं समझना कि वो सही ट्रिब्यूट साडे इस मार्टियर की साडे इस वीर सपूत वास्ते होगी और वही मैं समझना कि वही उनकी जिहड़ी है हमेशा वह भी यही चाहते होने कि
जिस सोसाइटी जिस मुल्क जिस धरती उन्होंने इन्ना सुप्रीम सैक्रीफाइस दिता उन्दे सारे लोग जेड़े वो पूरी डेडिकेशन करने पूरी कर्तव्य निष्ठा करने अपना काम करने और पूरा सौहार्दपूर्ण माहौल भाईचारे के सारी कम्यूनिटी जटे हो और कोई भी बार दी जेड़ा दुश्मन मुल्क है कोई भी ताकत तां तक साडा कुछ भी बिगाड़ी सकती जिले तक अस सारे लोग कट्ठे हाँ सारे ऐसे वीर सपूत साडी धरती जेड़ी है ओहदे च वीर सपूत जिले तक हैं तां तक कोई भी साडा जेड़ा दुश्मन मुल्क है साडा कुछ भी बिगाड़ी सकदा। ये जेड़ा समारोह अज आयोजित होया ओहदा पूरा श्रेय जेड़ा है वो इवेंट दे ऑर्गेनाइजर जिन्हां ने पूरी इस रोड का नामकरण किया तो जेड़ी तुसें सजेशन्स भी दी हैं वो डीसी साहब ने ते एसएसपी साहब ने वो भरोसा दिलाया कि आने वाले टाइम में पूरी सजेशन्स की अस जो है ना अगे भी अमल च लियाजे और जेड़ा है बाकी तुंदे जेड़े जिन्हें भी लोकल इशूज ने डीसी साहब वो इधर पूरी इंतजामी है ओहदे वास्ते पूरी सैनिटाइज है और अज खास तौर उपर जेड़ा है वो ब्लॉक दिवस भी होंदा है ते तां ही अज का वैनसडे का असें दिन भी चुने ताकि अस तुंदे कन्ने गलबात भी करी सके और एक पूरा समारोह ही तुस लोग सारे लोग आओ और अज एक इन्ना बड़ा अज का दिन है ते इसी अस जेड़ा इस दिन की पर्व की तरह मनाचे और जियां डीटीसी मैंबर साहब ने आखिया कि यह सिर्फ कोई वन ऑफ इवेंट नहीं रही जाए जेड़े इस परिवार की इस वीर सपूत की अस आने वाले टाइम च भी इधर के लोग इंतजामिया हमेशा याद रख के और अगे भी चलते। मैं तुसे ये भी रियासी के सारी जनता की यह भी मैं दसना चाहना कि गौरमेंट ने जेड़े मार्टियर्स की साड़ी 75 मार्टियर्स की पहली लिस्ट कड़ी है वो कोई पहली ते आखिरी लिस्ट नहीं है वो जिया जिया सानू लिस्टा डिस्ट्रिक्ट तू आंदिया वैसे वैसे ओदी पूरी वेरीफिकेशन ते स्क्रूटनी करिए आने वाले टाइम च भी साडे जिन्ने भी वीर शहीद न उनके नाम उपर नोटिफिकेशन गौरमेंट कड़गी ते जेड़े जेड़े असैट्स न स्कूल कॉलेज या मेन मेन साडे जेड़े इदारे ने उनका नामकरण करन वास्ते अगे भी नोटिफिकेशन का यह सिलसिला जेड़ा है वो चलते रहेगा। मैं दोबारा पूरे परिवार की पूरे इंतजामिया की तरफ्यू सरकार की तरफ्यू उसका सबका दोबारा मैं शुक्रिया अदा करना माता पिता का पूरे परिवार का इधर के सारे इस वीर धरती के सारे नागरिकों का मैं शुक्रिया अदा करना और दोबारा मैं पूरी धन्यवाद देना बधाई देना कि अज ये कार्यक्रम आयोजित होया और इन्ना अच्छे तरीके कन्ने असें कार्यक्रम किया। रियासी जिले च 5 होर वीर शहीदों का असें नामकरण जेड़ा है ओदी नोटिफिकेशन कड़ी है और जियां मैं तुसें आख्या अगे भी जेड़ी है ये नोटिफिकेशन जियां जियां लिस्टां साडियां बंदी रहेगियां अगे भी एदे उपर ये रीनेमिंग का पूरा काम जेड़ा है चलते रहेगा। तुस सब लोग साडे कन्ने अज इस कार्यक्रम विच जुड़े मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया जनाब। मैं ये आखना चाहूं कि तुसे अपनी भाषा करनी इतने जिन्हें भी अस सारे बैठे हुए हैं सारे दिलों के भाव जेड़े हैं सारे कन्ने जेड़े साझा किए सारे दिले की गल जी तुम सारे सामने रखी। मैं फिर तुम्हारा मुड़िए एक बार दिले कन्ने शुक्रिया अदा करना चाहूं और अब इस कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री मुकेश सिंह जी से मैं ये अनुरोध करूंगी कि वे मंच पे आए और मंच पे यहां आकर हम सबके सामने अपनी बात अपने भाव हम सबके साथ साझा करें। आप सबसे चाहूंगी कि जोरदार तालियों से उनका अभिवादन जरूर करें। शहीद अमन किशोर जी के माता पिता और परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर काउंसिल जिला इंतजामिया के सीनियर अफसर्स और पुलिस के सीनियर अफसर्स और रियासी शहर के मौजूद शहरी जम्मू कश्मीर की जो धरती है इनके वीर सपूतों की गाथाएं पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश में कोई ऐसा इलाका नहीं है कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां के वीर सपूतों ने इतनी कुर्बानियां दी
और इन कुर्बानियों को याद करने के लिए और ये अनंत चलती रहे इनकी कुर्बानियों की गाथाएं, इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो कि आज तक पिछले 30 साल से हम इस जंग को लड़ रहे हैं और हमारे कई वीर सपूतों ने कुर्बानी दी है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क्यादत में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम उठाया है कि प्रोमिनेंट सड़क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, इनको हमारे शहीदों के नाम पर रखा जाए ताकि हम अनंत काल तक इनको याद करते रहें। इसी कड़ी में ये सड़क जो रखा गया है इनके नाम, पुलिस की तरफ से ये कदम दिया जाएगा कि इस स्कूल में जहां पे मुझे बताया गया कि कमल किशोर जी यहाँ मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ पे इनकी एक बड़ी फोटो और उसके नीचे इनकी जो वीरता की जो गाथा है छोटे फॉर्म में, छोटे शब्दों में, ताकि एक प्रतिमा के नीचे वो आ जाए, ये हमारी तरफ से यहाँ पे लगाया जाए ताकि हर बच्चा जो इस सड़क को इस्तेमाल करता है या इस सड़क को इस्तेमाल करके स्कूल में पढ़ाई करता है वो इनकी जो है गाथाओं से प्रेरणा और देश के लिए कुछ करने की, कुछ बलिदान की भावना से वो आगे बढ़े। बलिदान की कई किस्में हो सकती है, बलिदान जरूरी नहीं है कि कोई फौज नहीं भर्ती होकर देश के लिए कुछ करना चाहे, बलिदान अपने त्याग से आप दे सकते हैं, अपने आचार से दे सकते हैं, अपने कष्ट को सहते हुए दूसरे की भलाई करना, यह भी एक बलिदान का तरीका है। तो मैं चाहता हूं कि सारे जो स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ इस सड़क से गुजरेंगे, ये जो वीर कमल किशोर जी की जो जीवन है इनसे प्रेरणा लें और इनके कदमों पर चले और इन देश के लिए कुछ करके दिखाएं। मैं टीवी पे देख रहा था जब ये शौर्य चक्र जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरा मिलिट्री में बहुत कम लोगों को शौर्य चक्र दी जाती है और ये तब दी जाती है जो सेक्रीफाइस है वो इस किस्म का, जो इस लेवल के जो है मेडल को का हकदार बनाता है। और वो मैंने देखा टीवी पे जब उनके माँ बाप माता पिता राष्ट्रपति से सम्मान ले रहे, इसको देख के हम सबका सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया और हम सब ने इसकी जो है वीरता को देखकर और इसकी जो कुर्बानी को देखकर हमने जो है जम्मू कश्मीर के पुलिस के सारे परिवार के सदस्य का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। आज इस मौके पे हम ये प्रण लें कि हम आगे चल के जो भी जो जितने भी इस तरह के लड़के हैं, जवान हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे धरती की सुरक्षा में अपनी जानों की आहुति दे दी, हम उनको वक्तन फवक्तन याद करते रहेंगे और जो भी हमसे बने वो हम उनके परिवार के लिए, हम उनके परिवार माता पिता के लिए, उनके भाई बहन के लिए, उनके और संबंधियों के लिए जो भी हमसे बनाए हम कर सके। आज आप सब इस मौके पर यहाँ आए और आपने हमारे वीर सपूत के को श्रद्धांजलि दी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। सर झुके सदा, सर झुके सदा उस इबादत में, सर झुके सदा उस इबादत में और उनकी ये जो कि शहीद हुए हैं हम सबकी हिफाजत में, यही भाव हमारे सामने अभी आपने रखे। और अब मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी के चेयरमैन श्री सराफ सिंह नाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पे आए और मंच पे आकर आज हम सबके सामने अपने भाव, अपने विचार यहाँ रखे। और आपसे चाहूंगी कि जोरदार तालियों से आप उनका भी अभिवादन करें। धन्यवाद। आज के इस समारोह में जिसमें हमारे
शौर्य चक्र विजेता शहीद आजम श्री कमल किशोर जी, उनके माता पिता इस समारोह में उपस्थित हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे शेष पूत को जन्म दिया जिसने न सिर्फ अपने परिवार का, अपने गांव का, अपनी पंचायत का, अपने जम्मू कश्मीर पुलिस का, जम्मू कश्मीर का, बल्कि पूरे देश का नाम ऊंचा किया है, इस व्यक्ति का नाम ऊंचा किया है। आपको बारंबार प्रणाम, शत शत नमन। समारोह में मंच पर आसीन एडीजीपी साहब श्री मुकेश सिंह जी, जो जम्मू संभाग के हमारे पुलिस के चीफ हैं, हमारे बीच में डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज चौधरी सुलेमान साहब, इस जिला के डिप्टी कमिश्नर एसएसपी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के रियासी से मेंबर यहां पे मेरे समक्ष बैठे हुए, मेरे पीआरआई के मेंबर जिन्हें हमारे इसी पंचायत के सरपंच राजकुमार शर्मा जी, हमारे रियासी काउंसिल के पार्षद अमित शर्मा जी, गौरव शर्मा जी, भारत भूषण जी, हरकोट के सरपंच इंद्र सिंह जी, देवगढ़ के सरपंच पवन सिंह जी, हमारे समाज सेवक योगराज मेंगी जी, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे प्रेरक, यहां के मार्गदर्शक, श्री टाकन दास जी, मेरे स्कूल के गुरु मास्टर श्री मुलुक सिंह जी, सरपंच करतार भगत जी, यहीं के मास्टर सुरेंद्र शर्मा जी, कौशल्या जी, मेरी मातृशक्ति यहां पर बैठे हुए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहां पर उपस्थित सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का जो मौजूद है वो सबके सामने आया हो चुका है। हम शहीद कमल किशोर जी की शहादत के उपलक्ष्य पर, जिन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में सर्वोच्च बलिदान अपना इस देश, इस मिट्टी, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए दे दिया, उनकी याद में ग्राम से टूट का जो रोड है हमारा, इसका नामकरण उनके नाम पर रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इस वक्त की भारत देश की जो सरकार है, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्हीं के कैबिनेट में हमारे गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का, हमारे जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश की जो हमारे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का और उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से, अपने काउंसिल की तरफ से और रियासी जिला के तमाम आवाम की तरफ से, कि जिन्होंने देश पर, अपनी मातृभूमि पर सर्वोच्च बलिदान देने पर, ये पहली बार इतिहास में 1947 के बाद, विशेषकर मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये पहली बार हुआ कि अपने शहीदों को हम इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित देने योग्य बने हैं। मैं सरकार का बहुत बहुत जिसकी गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, साधुवाद देता हूं। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जब बड़े से बड़े कुख्यात उग्रवादियों का हमारी बहादुर पुलिस या हमारी पैरामिलिट्री फोर्स या देश की शान हमारी आर्मी उनका नरसंहार करती थी, तो वहां की सिविल जो लोग थे, सिविल सोसाइटी थी, लाखों की तादाद में उसके जनाजे में जाते थे। लेकिन जब उसी धरती का सपूत देश की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए बलिदान उसका होता था, उसका मार्टिरडम होता था, तो उसको पूछने के लिए वक्त की सरकार भी नहीं जाती। ये भी हमारे समक्ष, हमारे सामने हमने देखा। लेकिन आज जो हमारी सरकार है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो संवेदनशील है इन मुद्दों को लेकर के, और उसी के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप आज हमने देखा कि ये नामकरण यहां पर हो रहा है।
रियासी की जो हमारी मातृभूमि है, इसने बहुत बहादुर सपूतों को जन्म दिया है। अगर हम संकाली से पहले की बात करें तो यहां पे जनरल जोरावर सिंह जी हुए और उनके साथ कितने ही उनके सहयोगी जिन्होंने हमारे भारतवर्ष की बाउंड्रीज को पाकिस्तान, लहासा और तिब्बत तक पहुंचाया, वो भी इसी जन्मभूमि, इसी मातृभूमि के सपूत थे। लेकिन अगर मैं संतालीस के बाद की बात करूं तो जिन वीर सपूतों ने अपने सर्वोच्च बलिदान से इस जग की, इस दुनिया की भीड़ से अलग अपनी एक पंक्ति खड़ी करके दिखाई है, एक अलग लाइन बनाई है, तो वो हमारे समक्ष ये 29 जानबाज इसी जिला के हैं, जिनकी शहादत आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी और इनकी शहादत से हमारे आने वाले नौजवान प्रेरित होंगे कि जब जब इस देश को, मातृभूमि को जरूरत पड़ेगी बलिदान की, तो ये आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर के कभी पीछे, कभी जंग में जब बॉर्डर पे पीठ नहीं दिखाएगी। साथियों, कमल किशोर मेरा निजी तौर पर बहुत करीबी था, क्योंकि मैं पुलिस में भी रहा हूं और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पहले उसको जिसको एसटीएफ कहा जाता था, उसमें चंद महीने काम करने का मुझे भी मौका मिला। जब उसने अपनी आप को वॉलंटियर किया एसओजी के लिए और छुट्टी आए, तो कमल किशोर जी मेरे पास आए, कहने लगे कि साहब जी, मैं भी एसटीएफ में हूं, वह बताएं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि उस वक्त की बात और आज के एसटीएफ के ऑपरेशन का जो प्रोसीजर रहता है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फिर भी वो मुझे अपना बड़ा भाई समझ के हर बार जब भी छुट्टी पे आते वो मेरे पास आते, और जब उन्होंने शहादत पाई 17 अक्टूबर 2018 को, उसे कोई 10-15 दिन पहले भी वो छुट्टी आए थे और मैं उनको कह रहा था कि हम बातचीत कर रहे थे, जैसे डाकघर में कोई हमारा प्रोग्राम वहां पे आए और हमें बताने लगे, तो उसके कमल किशोर जी के मस्तिष्क जो था, जो उसका, उसकी जो सोच थी वो कुर्बानी की तरफ थी। मेरे यहां पर बैठे हुए उनके मातश्री गीता जी और मोहन जी इस चीज से एतवार रखते होंगे, अगर उनको जाति तौर पर जानते होंगे, मैं उनको कहा कि अब यार आपकी उम्र 27-28 साल हो गई है, तो आपकी शादी भी करवा ली। तो वो कहने लगे कि नहीं जी, शादी पत्नी होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम जिस काम में लगे हैं तो उसमें मस्त हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वो मौत ही क्या कि जनाजा ना हो जवानी में, कुछ इस तरह की पंक्ति उन्होंने अपने मुख से मुझे सुनाई। उसकी भाव, उसकी दलेरी, उसकी बहादुरी, उसकी पर्सनालिटी से झलकती थी। और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम तो ऊंचा किया है, लेकिन हमारा सबका जो सर गर्व से ऊंचा किया है, जिस दिन उनके माता पिता को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने कर कमलों से शौर्य चक्र को उनको सम्मानित किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर उनकी तरफ, इनकी तरफ देख रहे थे। और मुझे ये भाव प्रकट हो रहा था, ये मैं सोच रहा था कि ये मोहन जी को, जब माता गीता जी को नहीं देख रहे हैं, ये ग्राम परिक्रमा के गांव को देख रहे हैं, ये रियासी जिले की आवाम और इस धरती को देख रहे हैं, ऐसा भगवान ने महसूस किया। मैं समझता हूं यहां पे हमारे डीडीसी मेंबर साहब ने बोला कि ये फंक्शन हम ही करना चाहिए, ये सिविल सोसाइटी का काम है। यहां पे कभी हम ये ना सोचें कि हाँ जी सरकार करेगी, सरकारी तंत्र करेगा, तब ही करें। जैसे उन्होंने बताया है, एक दिन हम निश्चित करेंगे, यहां की जो हमारी पंचायत है, ये उनका काम है, वो आगे करके इसमें रेजोल्यूशन डालें कि एक दिन जो है वो मुकर करें। उस दिन पर हम सब मिलकर यहां पर, आप देखिए कि जितने भी 29 वीर सपूत हैं जिन्होंने अपनी अलग पंक्ति मैंने कहा बनाई है, इसमें अगर हम मस्जिद देखें, इसमें अगर हम जातियां देखें, इसमें अगर हम प्रांत देखें, जिला के किसी किसी कोने से बेचारों ने शहादत दी है। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हम जाति के आधार पर, मस्जिद के आधार पर, राजनीति के आधार पर एक दूसरे को बांट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और उस आजादी को, जो आजादी हमारे
सेनानियों ने हमें दी थी उसको खतरे में डाल दिया। तो ये इस तरह के जो समारोह हैं उनका आयोजन ही इसी चीजों के लिए है कि हम चंद मिनट के लिए ही सही, चंद घंटों के लिए ही सही अपने आप को और अपने विचार को उस तरह एकाग्रता से देखें और हमें, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा ये वर्ग हमसे क्या अपेक्षा रखता है, उस अपेक्षा पर हम उतरे। ये बात सही है कि जो उनका वहां पे नाम लिखा गया है वो थोड़ा सा कॉन्स्पिशियस प्लेस में समझता हूं वही है। एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने वहीं पे रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने माना भी है कि एक गेट की ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी, अगर वहां पे जगह कम है वैसे ड्यूटी नहीं बन सकती, लेकिन अगर दो छोटे पोल लगा करके इस तरह से, क्योंकि जो भी आने जाने वाला उसकी सामने समक्ष उसके नजर पड़े, और जैसे डिप्टी कमिश्नर जी ने बोला है कि पूरे 28-30 किलोमीटर के स्ट्रेच पे हर जगह उनका वो एक ट्रांसपिशियस प्लेस पर बनाए गए, तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से बाकी भी जितने पिछले दिनों में दीवान सिंह जी थे, उनका थुप में स्कूल का नामकरण हुआ, और 29 के 29 में समझता हूं कि एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रही है, हम सबको उसमें शामिल होना चाहिए, हम सबको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। उनके माता पिता, उनके परिजन, जो कई बार उनको दुख का एहसास होता है कि हमारा बच्चा हमसे चला गया, लेकिन मोहनलाल जी और माता पिता जी, ये आपकी कोख से इसने जन्म लिया था, आपकी कोख को इसने सुना जरूर किया है, लेकिन आज भारतवर्ष की सभी माताएं गर्वान्वित महसूस कर रही थी कि इस तरह के सबूत जिन्होंने अपना सबूत परिधान देकर के हमें सुरक्षित अपने घरों में रखा था। तो ये हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की संपत्ति कमल किशोर जी हैं। ये न सिर्फ आप समझे कि आप ही का बच्चा था, ये हमारे पूरे देशवासियों का भाई था, बच्चा था, और हमने हमारा गर्व है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे, आप सबसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय रियासत। धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर रियासी जिला से जितने भी सपूत हुए हैं उनके बारे में व आज के हमारे इस कार्यक्रम के हम कह सकते हैं जो हीरो हैं शहीद कमल किशोर जी, उनके बारे में भी यहाँ विस्तार से हमारे सामने अपने शब्द रखे। और अब मैं यहाँ मंच पे एडीजीपी सर श्री मुकेश सिंह जी, डिपकॉम सर श्री राघव लंगर जी और डीडीसी चेयरमैन सर श्री सराफ सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे आगे आगे मंच पे हमारे आज के यहाँ हम कह सकते हैं श्री मोहन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी जी जो है उन्हें शॉल अर्पण करके जो है एक सम्मान जिसके जिससे हम कह सकते हैं कि कहीं उससे कहीं ज्यादा के वे हकदार हैं, वे सम्मान आज यहाँ हम सबके सामने वे प्रदान करें। श्री मोहनलाल जी को जो है शॉल से भेंट करते हैं यह सम्मान, हमने पहले भी कहा कि इससे कहीं ज्यादा के ये हकदार हैं, लेकिन एक भाव अपने जो है अर्पण करते हुए वह शहीद कमल किशोर जी की माता श्रीमती गीता देवी जी को भी शॉल भेंट करके हम एक सम्मान जो है उन्हें अर्पण करना चाहेंगे। मैं चाहूंगी आप सब भी जोरदार तालियों से जो है तालियों के रूप में अपना सम्मान अपने भक्त जो है उन्हें जरूर प्रदान करें। धन्यवाद सर। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं आप सब से यह प्रार्थना करूंगी कि राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Thank you.
जय हिंद। और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय।